भारत के सूबे कर्नाटका विच हिंदुत्वी भीड़ां वल्लों मुस्लिम कुड़ियां दे धार्मिक पहरावे हिजाब ते पाबंदी दी मांग कीती जा रही है। हुण इस मांग ने हिंसक रूप धार लिया। कर्नाटका दे कॉलेज विच जदों एक मुसलमान कुड़ी हिजाब पा के पहुंची तो हिंदू नौजवानों की भीड़ ने उसनू घेर लिया। इन्हां सारे नौजवानों ने भगवे रंग के शाल गल विच पाए हुए सी ते इन्हां इकली मुस्लिम कुड़ी नू घेर के जय श्री राम दे नारे मारने शुरू कर दिते। कुड़ी ने घबराने की बजाय हौसले नाल इस हमलावर भीड़ का मुकाबला किया। यह सारी घटना कैमरे विच कैद हो गई ते सोशल मीडिया ते वायरल हो रही है। जदों हिंदू नौजवानों की यह भीड़ मुस्लिम कुड़ी नू घेर के जय श्री राम दे नारे मार रही सी तां कुड़ी ने हौसला विखाउंदिआं अल्लाहू अकबर दे नारे मारे। कुड़ी का नाम मुस्कान है। मुस्कान ने कहा कि उसका कॉलेज और प्रिंसीपल उसका समर्थन कर रहे हैं और उसके नाल पढ़दियां कई हिंदू विद्यार्थियों ने भी उसका समर्थन किया। मुस्कान ने दसिया कि हमलावर हुई भीड़ विच 10% नौजवान ही कॉलेज के विद्यार्थी सन, बाकी भीड़ बाहरों आई सी। कर्नाटका विच हुण मुस्लिम घट गिणती दीआं कुड़ियां नाल जबरदस्ती की जा रही है। इस दी शुरुआत उदुपी शहर के सरकारी कॉलेज तो हुई जिथे 6 मुस्लिम विद्यार्थियों नूं हिजाब पाउण करके कॉलेज विच दाखल होण तों रोक दिता गया सी। हालांकि कॉलेज के नियमों विच हिजाब पाउण ते कोई रोक नहीं है। इस तों बाद हिजाब ते रोकां दा मसला कर्नाटका दे दर्जना कॉलेजां विच पहुँच गया। सरकारी कॉलेज विच हिंदू नौजवानों ने उस पोल ते भगवा झंडा लहरा दिता जिस उत्ते तिरंगा लहराया जाता है। इस दौरान हुई पत्थरबाजी विच दर्जन दे करीब विद्यार्थी जख्मी हुए हैं। 5 विद्यार्थियों नू पुलिस ने हिरासत विच लिया है। हुण हिजाब दा ए विरोध हिंसक हुंदा जा रहा है जिस कारण सूबे दे सारे विद्यक अदारे 3 दिनां लई बंद कर दिते गए हैं। कांग्रेस की आगू प्रियंका गांधी ने हिजाब ते इन्हां हमलों का विरोध करदिआं ट्वीट किया है कि औरत नू हक है कि वह खुद फैसला करे कि वह की पाउणा चाहती है। भाजपा के विधायक बसन गौड़ा पाटिल यतनल ने हिंसा नू उत्साहित करने वाला बयान दिंदिआं कहा कि जे मुसलमान हिजाब पाउणा चाहते हैं, उर्दू पढ़नी चाहते हैं तो पाकिस्तान चले जाण। कांग्रेस के केरला तो MP TN प्रथापन ने कहा कि हिजाब मुसलमानों लिए उस तरह है जिवें हिंदुओं लिए मंगलसूत्र, ईसाइयों लिए सलीब और सिखां लिए दस्तार है। उन्होंने कहा कि जदों सिख दस्तारा सजा के सरकारां खिलाफ़ प्रदर्शन करते हैं
तो उन्होंने खालिस्तानी कह दिया जाता है। हुण मुस्लिम कुड़ियां नूं हिजाब पाउण करके सिक्ख्या दे मौलिक हक तो रोकिया जा रहा है।